पहली चीज़ मुझे बताओ, एरेज होते क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, क्यों चाहिए मुझे, राइट? उसके बाद कुछ दो चार प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दिखाओ यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, सो दैट आई गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इसको यूज़ करके मैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूँ। अब अगर मैं जाऊँगा किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर और मैं बोलूँगा मेरे को एरेज की सॉल्व करनी है, एरेज की प्रॉब्लम करनी है, यू विल गेट लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या बैठ के थाउजेंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करूँ एरेज की? भाई डीएसए खत्म ही नहीं होगा, मैं तो एरेज ही करता रह जाऊँगा, तीन चार महीने पाँच महीने लग जाएंगे वो हज़ार प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हाय, दिस इज अंकुश एंड वेलकम टू कोडिंग जज यूट्यूब चैनल। सो देखो, हम सबको पता है फाइनली अगर अच्छी जॉब चाहिए तो डीएसए तो आना चाहिए, है ना? सबको क्लैरिटी है ये। अगर हमें कुछ भी सीखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो पहले डीएसए में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पर अब ये तो बोलना आसान है ना कि डीएसए में अच्छा होना है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? पहली बात तो डीएसए इज एब्सोल्युटली लाइक मैथ, तो सिर्फ वीडियोस देखने से, सिर्फ एक किताब पढ़ने से तो नहीं होगा। डीएसए सीखने का एक ही तरीका है, दैट इज वी नीड टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा कोड करेंगे, जितना अच्छे से कोड करेंगे, उतने हम बेटर होते जाएंगे। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन कम्स, हाउ डू आई प्रैक्टिस, व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो वी विल अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट हाउ डू आई प्रैक्टिस व्हेन आई एम लर्निंग, हाउ डू आई प्रैक्टिस जब वो लर्निंग मेरी डीएसए की खत्म हो गई है, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, सो दैट आई स्टे इन टच। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ दीज एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर लर्निंग डीएसए, उस टाइम पे प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इज हैविंग द राइट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज विद यू। अगर मैं सीख रहा हूँ डीएसए, सो आई नीड टू नो कहाँ से मैं कॉन्सेप्ट सीखने वाला हूँ। एंड देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट हाउ डू आई अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन टू प्रॉब्लम्स। सो जहाँ से भी मैं सीख रहा हूँ वहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहिए मुझे, उसके बाद दे शुड यूज दैट कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व यू प्रॉब्लम्स फॉर मी, एंड पोस्ट दैट आई नीड टू सॉल्व इनफ प्रॉब्लम्स एज वेल। एज अ स्टूडेंट आई नीड टू सॉल्व इनफ प्रॉब्लम्स एज वेल। आई थिंक दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कोई भी टॉपिक अगर मुझे डीएसए में सीखना है तो ये इसके तीन एस्पेक्ट हैं। पहली चीज़, मुझे बताओ एरेज होते क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, क्यों चाहिए मुझे, राइट? उसके बाद कुछ दो चार प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दिखाओ यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, सो दैट आई गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इसको यूज़ करके मैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिलनी चाहिए जिसके ऊपर मैं काम करूँ, जिसके ऊपर मैं सॉल्व करूँ। अब अगर मैं जाऊँगा किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर और मैं बोलूँगा मेरे को एरेज की सॉल्व करनी है, एरेज की प्रॉब्लम करनी है, यू विल गेट लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या बैठ के थाउजेंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करूँ एरेज की? भाई डीएसए खत्म ही नहीं होगा, मैं तो एरेज ही करता रह जाऊँगा, तीन चार महीने पाँच महीने लग जाएंगे वो हज़ार प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एंड मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। सो अगेन आई नीड टू हैव द राइट रिसोर्सेज वेयर आई एम गिवन लाइक 30, 40, 50 प्रॉब्लम्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच कवर्स इनफ ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पर वो यूज हो रहा है, एंड दैट कवर्स इनफ डेप्थ कि हर प्रॉब्लम के अंदर मुझे पुश किया जा रहा है और सोच और कैसे बेटर कर सकता है और इसको किस तरह से कर सकता है। आई थिंक दीज आर बोथ दी एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू डू रियली रियली वेल। सॉल्व इनफ वेराइटी, राइट? बट अलॉन्ग विद दैट वेराइटी गो डीप इन टू ईच ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड वट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग इट, वट आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, कैन यू डू इट फास्टर, इज देर अ डिफरेंट वे, बेटर वे टू डू दिस एज वेल। सो वो पुश करना हमें बहुत ज़रूरी है, राइट? सो जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वाइल वी आर लर्निंग, मेरे को लगता है अगर हम ओवरऑल डीएसए करते हुए 300-400 प्रॉब्लम करेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड इनफ नंबर, जहाँ पर हमें हर एक टॉपिक के बाद कुछ 20-25-30 प्रॉब्लम करी जाए जिससे इनफ कवरेज मिल जाए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम उस टॉपिक के लिए जो होती है, राइट? सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो हमें पक्के से करना ही करना है, एवरी प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व, स्टॉप आफ्टर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, थिंक अबाउट तुमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, एंड बेटर कैसे कर सकते हैं। बेटर करने का क्या मतलब है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोड स्टूडियो, जो कोडिंग निंजास का प्लेटफॉर्म है, कोडिंग निंजा स्टूडियो, वहां पर अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें क्लियरली पता लगता है कि यार तुमने जो भी कोड किया है वो 50% लोगों से बेटर है। तो दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना कि बाकी 50% ने ऐसा क्या किया कि मेरे से बेटर है उनका कोड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। उन लोगों ने मुझसे कम मेमोरी यूज़ की है तो क्या किया उन्होंने कि उनसे उनकी मेमोरी मुझसे कम है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू आंसर फॉर आर सेल्फ, दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड क्वेश्चन आर सेल्फ, तभी हम इम्प्रूव होंगे। फाइनली मैंने 50 प्रॉब्लम किए हैं वर्सेज मैंने 50 प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोच के डीप जाके सोचा है। आई एम टेलिंग यू द लेवल ऑफ बोथ दीज पीपल, एक बंदा जिसने 50 प्रॉब्लम करी
फटाफट फटाफट एक एक करके चलता रहा, जैसे जैसे ब्लू टिक आया आगे बढ़ गया। एक बंदा जिसने सोचा बैठ के, यार ये प्रॉब्लम मैंने कर तो दी, और क्या तरीका हो सकता है इसको इम्प्रूव करने का, इसको डबल टाइम लगेगा जो दूसरा बंदा है, बट मैं तो बता रहा हूँ इसकी लर्निंग भी डबल होगी, मच बेटर होगी आफ्टर सॉल्विंग द सेम सेट ऑफ 50 प्रॉब्लम्स। सो बहुत ज़रूरी है कि हम डीप सोचें जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मेरे पर्सनली इंटरव्यूज हुए हैं जिसके अंदर मुझसे पूछा गया ये प्रॉब्लम करो, अच्छा अगर मैंने इसमें ये चेंज कर दिया तो क्या होगा, फिर इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया तो क्या होगा, फिर मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया तो क्या होगा। सो अ स्मॉल स्मॉल ट्विस्ट विच मेक्स यू क्वेश्चन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड यू बीइंग एबल टू थिंक, यू बीइंग एबल टू आंसर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस चीज़ को हमें अच्छे से करना है। नाउ एक बार कोर्स हो गया, राइट, एक बार हमने पूरा का पूरा DSA कर लिया, जैसे भी कर रहे हैं हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया, हमें लगता है कि हमने इनफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए, हमने इनफ काम कर लिया है, हमें DSA के सारे टॉपिक्स अब आते हैं, अब क्या करें। देखो पहली चीज़ ये है, अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं वो बोलते हैं अब मैं तो सिर्फ DSA ही करूँगा, मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करूँगा, मैं या DSA में प्रैक्टिस करूँगा, मैं कोई और स्किल नहीं सीखूँगा, मैं सिर्फ DSA करता रहूँगा। एक दूसरी कैटेगरी है वो बोलती है हो गया DSA, चलो अब वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं या मशीन लर्निंग सीख लेते हैं, एंड अब वो DSA को छोड़ देते हैं और अब वो दूसरी जगह पे घुस जाते हैं। दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है। पहली जो कैटेगरी है वो अपनी सारी की सारी बेट्स DSA पे लगा रही है, एक्चुअली नहीं सीख रही कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उनको करना क्या होता है। दूसरा बंदा ये रिस्क ले रहा है कि फाइनली जब इंटरव्यूज होंगे कंपनीज DSA पे फोकस करेंगी और मुझे उस टाइम पे दोबारा से ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। एंड आई थिंक देयर इज अ ब्यूटीफुल मिडिल पाथ जो हम सबको करना चाहिए। सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, सिर्फ DSA तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली अ बैड चॉइस, है ना। चार साल सेम चीज करते रहेंगे क्या फायदा हुआ फिर, चार साल बहुत लंबा टाइम होता है अगर तुम कॉलेज में हो। अगर कुछ भी और कर रहे हो और तुम इवेंचुअली टेक में अच्छा करना चाहते हो तो यार प्रोजेक्ट्स पे काम करना, एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो सिर्फ DSA तो नहीं करना। नाउ आई थिंक द बेस्ट वे टू डू दिस इज एक शेड्यूल बना लेते हैं, हर हफ्ते 2 घंटे 4 घंटे हमें कुछ DSA को देना है और सिर्फ उतना ही देना है, बट उतना ज़रूर देना है। अब ये शेड्यूल कैसे बनेगा, आई देयर आर 3 ways टू डू दिस। 1, यू डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम, राइट। कोडशेप पे जाएंगे या किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहां पर हम वीकली जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो देने ही देने हैं। सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं देंगे, एनालाइज भी करेंगे क्या कर पाए क्यों नहीं कर पाए, सो दैट वी गेट बेटर बिफोर द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट एज वेल। सो दैट इज वन वे, द शेड्यूल इज मेड फॉर यू। तुम्हें पता है कॉन्टेस्ट होगा, तुम्हें देना है, तुम जाओगे दोगे, उसको एनालिसिस करोगे एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल वे टू मेंटेन अ शेड्यूल, बट दैट रिक्वायर्स यू टू कॉन्स्टेंटली लर्न बिकॉज दीज कॉन्टेस्ट टेंड टू बी अ लिटल हार्डर देन द बेसिक DSA दैट यू रिक्वायर फ्रॉम इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो इफ दैट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट दैट्स एब्सोल्युटली ओके, यू विल फाइंड कॉन्टेस्ट विच आर हैपनिंग ऑन अगेन स्टूडियो पे, कोडिंग या स्टूडियो पे तुम देखोगे हर वीकेंड पे एक कॉन्टेस्ट होता है, कंपनीज भी आती हैं जिसके थ्रू हायर करती हैं, हम वो कॉन्टेस्ट देते हैं। दीज आर कॉन्टेस्ट विच आर एब्सोल्युटली एट पार विद वट इंटरव्यूज रिक्वायर, एट पार विद वट यू विल लर्न एज पार्ट ऑफ एनी DSA ट्रेनिंग। सो यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट ऑन सच प्लेटफॉर्म्स जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लेवल पे नहीं जा रही, इंटरव्यूज के लेवल पे है, जो कंपनीज को चाहिए उस लेवल पे है। एंड अगेन द बेनिफिट इज दैट वहाँ पे कंपनीज आके ऑलरेडी हायर कर रही हैं तो हमें पता है कि यार ये उस लेवल पे तो है ही, राइट। अगेन गिव्स यू एब्सोल्यूट क्लियर शेड्यूल कि यार हर हफ्ते एक टेस्ट होगा या 2 टेस्ट होंगे, मुझे जाना है, मुझे वो टेस्ट देना है, मुझे हर हफ्ते पता लगेगा हाउ आई एम डूइंग बेटर और बेटर और वर्स कंपेयर टू प्रीवियस वीक, बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, एंड कॉन्स्टेंटली आई एम गेटिंग फीडबैक कि इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो, इसके ऊपर काम करो। एंड आई थिंक देर इज अ थर्ड वे विच अगेन आई थिंक इज अ वेरी गुड वे टू डू इट, रोज की एक प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिक्स है, अपनी स्ट्रीक मेंटेन करनी, राइट। स्टूडियो पे फॉर एग्जाम्पल और एनी अदर प्लेटफॉर्म एज वेल यू विल फाइंड दैट एज यू सॉल्व प्रॉब्लम्स योर स्ट्रीक इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी डेज यू हैव बीन राइटिंग कोड एवरी डे, हाउ मेनी डेज इट हैज बीन दैट वेज, वो बहुत सही क्लियर एक मोटिवेटर है तुम्हारे लिए कि यार मेरे को कंसिस्टेंसी लानी है, रोज की एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एंड आई विल ऑलवेज स्टे इन टच। अगेन आई थिंक ब्यूटीफुल वे टू डू दिस, जस्ट यूज वन ऑफ दीज 3 ways, कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट या इंटरव्यू लेवल की वेबसाइट, वहां पर जाके हम कॉन्टेस्ट करें रेगुलरली, या फिर हम बस रोज की 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करें। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू बी क्लियर, अभी सीख रहे हो,
या सीखने वाला पार्ट हो चुका है, अब मुझे प्रैक्टिस करना है। सीखते टाइम हम कैसे सीख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे टच में रह रहे हैं DSA के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द एंड ऑल ऑफ अस डू नो दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल फोकस अ लॉट ऑन DSA अलॉन्ग विद योर प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, आई होप दिस इज हेल्पफुल, आई होप समझ में आ गया कैसे प्रैक्टिस करना है। प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड वन टेक अवे दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज प्रॉब्लम सॉल्व होना एंड प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से डीप से अंडरस्टैंडिंग लेना, अच्छे से समझना। एफर्ट में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, पर अंडरस्टैंडिंग में और लेवल ऑफ लर्निंग में बहुत ज़्यादा गैप होता है। सो प्लीज़ डू दैट वेल। थैंक यू।